मी डॉक्टर अतुल गर्ग गवर्नमेंट भांगड़ कॉलेज डीडवा। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टुडे न्यू चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से पहले हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, संख्यात्मक अवकलन। तो कोई भी डाटा दिए गए हों और किसी विशेष बिंदु पर उसका अवकलन पूछ ले तो वो कहलाता था संख्यात्मक अवकलन। अब हमें कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया तो उसका संख्यात्मक मान निकालना, ये कहलाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसकी उपयोगिता ये है कि कई बार ऐसे इंटीग्रल आ जाते हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर उसका निश्चित समाकलन का मान भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सवालों में, जैसे मान लीजिए एक सवाल है अंडर रूट साइन एक्स और लिमिट दे दी एक से दो अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रल का मान निकालना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटीग्रल निकालना ही आसान नहीं है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू रख के मान निकालना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के इंटीग्रल्स जो समाकलित नहीं हो पाते तो उनके लिए संख्यात्मक विश्लेषण के द्वारा हम संख्यात्मक मान उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट जो वैल्यू दी गई है उनकी सहायता से ही मान निकाल लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको जो सवाल अंदर दिया हुआ है, एफ एक्स की जगह जो भी मान दिया गया है उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जैसे एक इंटीग्रल 0 से 1 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो यही मुश्किल है, फिर 0 से 1 लिमिट बाद में रखेंगे तो वैल्यू आएगी तब जब इंटीग्रल आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में ये बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए हम जो अंतर्वेशन सूत्र पढ़ के आए हैं, जो समान अंतराल के लिए थे, असमान अंतराल के लिए थे, उन सूत्रों की सहायता से एक सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसमें बेसिकली तो जो सामान्य जो अपन सूत्र पहले पढ़ के आए, न्यूटन ग्रेगरी वाला है, चाहे समान उसमें सेंट्रल इंटरपोलेशन में अपने गॉस वाले दो फार्मूले हैं, चाहे स्टर्लिंग है, चाहे बेसल है, इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं उनका प्रयोग करके ये मान निकाला जा सकता है समाकलन का। लेकिन अभी अपन सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला बना रहे हैं वो न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र से बना रहे हैं, और इसकी सहायता से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करने के लिए 4 फॉर्मूले बना लेंगे सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र के द्वारा ही। तो ये जो सामान्य जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है इसी की सहायता से अपन बनाकर इससे 4 फॉर्मूले अपन डेराइव करेंगे। वो 4 फॉर्मूले होंगे, एक तो ट्रेपिजोइडल रूल, दूसरा होगा सिम्पसन 1/3 रूल, तीसरा होगा सिम्पसन 3/8 रूल, और चौथा होगा वेडले रूल, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला देखते हैं, क्योंकि अपना इसमें मेथड यही है कि जो अपन फार्मूला काम में ले रहे हैं, जैसे न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र ले रहे हैं तो उससे बहुपद निकाल लिया, बहुपद निकाल के समाकलित कर लिया, और समाकलित करके फिर उसकी लिमिट रख दी। तो ये तरीका है इसमें। लेकिन अपन जो एक कॉन्क्रीट फार्मूले बनाएंगे उसमें फिर समाकलित नहीं करना पड़ेगा, केवल मान रखने पड़ेंगे, उसकी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ये देखते हैं। मान लीजिए समान अंतराल के मान x के दे रखे हैं, x0 + h, x0 + 2h, x0 + 3h से लेके x0 + nh तक, और इनके संगत y के मान या fx के मान दिए गए, y0 y1 y2 yn, तो कुल n+1 मान ये दिए गए। और हमें जो कैलकुलेट करना है वो ydx का मान इंटीग्रेट करना है a से b लिमिट के बीच में। तो we have to calculate i, दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b ydx, जहाँ y fx जो भी दिया गया फलन दिया गया वही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले a को तो x0 जो अपने को वैल्यू दी गई है सारी, x0 + h, x0 + 2h से लेके x0 + nh तक, तो इस x0 को तो अपन ने a मान लिया और x0 + nh को अपन ने b मान लिया। तो ये जो i अपने को इंटीग्रल दिया हुआ है a से b ydx का मान, वो हो गया x0 + nh ydx। अब चूंकि न्यूटन ग्रेगरी सूत्र अपन काम में लेंगे
और वो यू में है, तो अपन यू वाला मान इसमें लिख दें, तो चूंकि यू का मान जो है वो है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच, ये यू का मान है। तो इससे अगर अपन देखें इसमें अगर एक्स ज़ीरो, एक्स की जगह एक्स ज़ीरो रखें तो यू का मान ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो लिख दिया, ये रहा ज़ीरो, और एक्स की जगह एक्स ज़ीरो प्लस एन एच लिख दिया तो यू का मान आ गया एक्स ज़ीरो प्लस एन एच माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच, तो एन एच अपॉन एच, तो ये एन आ गया। तो दोबारा देख लीजिए इसे, ये जो यू का मान है, इसको दोबारा चेक कर लें अच्छे से, ये जो यू का मान है, इस दोबारा दूसरे ढंग से बता देते हैं, यू का मान होता है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो ओवर एच। अब ये जो लिमिट है इनको चेक करते हैं, इसमें लिमिट रखते हैं, जब एक्स बराबर एक्स ज़ीरो रखा तो यू का मान ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, फिर एक्स की जगह एक्स ज़ीरो प्लस एन एच रखा तो यू का मान एन आ गया, क्योंकि एक्स ज़ीरो प्लस एन एच माइनस एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो कैंसिल हो गया, एन एच अपॉन एच, तो एन आ गया, तो ये लिमिट हो गई ज़ीरो से एन। और वाई वाला जो एक्स था वो एक्स ज़ीरो प्लस यू एच बन गया, क्योंकि एक्स का मान निकालने तो एक्स ज़ीरो प्लस यू एच, ये तो फार्मूला यू में ही है, और डी एक्स बराबर एच डी यू, तो डी एक्स बराबर एच डी यू अपन ने रख दिया। तो ये एक्चुअली इसी इंटीग्रल को अपन ने यू में कन्वर्ट किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ यू की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच, और डी एक्स बराबर एच डी यू बन रहा है। अब न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला अगर अपन इसकी जगह रखें, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला रखें, तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला इसमें जो अपन ने एक बनाया इसमें यूज़ करें, तो ये आ गया, इसमें एक में यूज़ करेंगे तो ये बन गया आई इज़ इक्वल टू, आई इज़ इक्वल टू एच, क्योंकि ये एच डी यू है तो एच डी यू लिख दिया, तो ये तो वाई तो यू में लिख दिया और ये डी यू और ये एच लगा दिया। तो अब न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला अपन लगा दें, तो आई इज़ इक्वल टू एच ज़ीरो इंटीग्रल ज़ीरो से एन वाई ज़ीरो प्लस यू डेल वाई ज़ीरो प्लस यू यू माइनस वन बटे फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू बटे फैक्टोरियल तीन डेल क्यूब वाई ज़ीरो एंड सो ऑन। और ये एच डी यू में एच अपन बाहर लगा चुके और डी यू ये रहा। तो ये जो इक्वेशन नंबर एक थी उसमें वाई एक्स ज़ीरो प्लस यू एच की जगह अपन ने न्यूटन ग्रेगरी अग्रसूत्र लिख लिया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि न्यूटन ग्रेगरी वगैरह के जितने भी फार्मूले, आठ फार्मूले बेसिकली बताए थे, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, तब तो आगे अपन आगे के चैप्टर्स में सवाल को अच्छे तरह से कर पाएंगे, नहीं तो फिर अपने प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब ये जो आई आया है इसमें इसके मान लिखें, तो ज़ीरो से एन है तो इंटीग्रेट करें पहले, तो फिर ज़ीरो से एन लिमिट रखें, तो वाई ज़ीरो तो हो गया वाई ज़ीरो इंटू यू, और ज़ीरो से एन लिमिट रखी तो एन आ गया एन वाई ज़ीरो, और यू का समाकलन नेक्स्ट स्टेप में यू का समाकलन हो गया यू स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो यू स्क्वायर बटे दो और डेल स्क्वायर डेल वाई ज़ीरो है ही, तो जब लिमिट ज़ीरो से एन लिखी तो यू की जगह एन लिख दिया एन स्क्वायर बटे दो हो गया। ये बन रहा है यू स्क्वायर माइनस यू बटे फैक्टोरियल दो, तो यू स्क्वायर का तो हो गया यू क्यूब बटे तीन और यू की जगह एन लिख दिया, और यू माइनस यू था तो यू स्क्वायर बटे दो हो गया, ये भी आ गया, और डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो बटे फैक्टोरियल दो है ही। इसी प्रकार आगे के पद अपन ने पूरे कर दिए, तो इंटीग्रेट कर दिया यू के सापेक्ष और फिर लिमिट रख दी ज़ीरो से एन, तो इंटीग्रल भी हो गया और लिमिट भी आ गई। अब ये जो है यही माना, यही जाना जाता है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, दिस इज़ नोन एज जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला टू इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रल और टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो है इस फॉर्मूले में अपन n का मान अलग अलग रखकर, जैसे n बराबर एक रखेंगे तो एक फार्मूला बनेगा जिसे ट्रापेज़ॉइडल नियम कहेंगे, इस फॉर्मूले में n बराबर अगर अपन दो रखेंगे तो फिर ये सिम्पसन वन थर्ड रूल बनेगा, अगर n बराबर तीन रखेंगे तो ये सिम्पसन थ्री एट रूल बनेगा, और इसी प्रकार जब n बराबर छः रख देंगे तो ये वेडले नियम बनेगा। तो ये अपन क्रम से इसमें रखेंगे और फॉर्मूले डेराइव करेंगे। ये जो चार फार्मूले अपन डेराइव कर रहे हैं, ट्रापीजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट और वेडले, ये चारों फार्मूले अपने को याद भी रखने हैं
और सारे क्वेश्चंस इन चार फॉर्मूले से ही करेंगे। तो ये अभी अपन डेराइव कर रहे हैं और बाद में इनको याद भी रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ गया कि सिम्पसन 1/3 से इसको सॉल्व करिए, तो सिम्पसन 1/3 फार्मूला याद है तो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये आगे ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं अपन, सबसे पहले डेराइव करते हैं ट्रापीजॉइडल रूल। तो ये जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है इक्वेशन 2 जो मैंने लिखी है, इसमें n बराबर 1 पुट करें और सेकंड और हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर दें या छोड़ दें, उनका विलोप कर दें, तो फिर ये जो i का मान है वो देखते हैं क्या बनेगा। तो i था x0 से x0 प्लस nh और n बराबर अपन ने 1 रख दिया, तो x0 से x0 प्लस h बन गया, y dx का मान आया h, n बराबर 1 रखा तो y0, और अगले स्टेप में इसमें n बराबर 1 रखा तो 1/2 डेल y0 आ गया, ये रहा 1/2 डेल y0 आ गया। और द्वितीय तथा उच्च क्रम के अग्रांतर अपन ने छोड़े हैं, कहा है इसमें, तो आगे सारे पद छोड़ दिए, तो ये आ गया h y0 प्लस हाफ डेल y0 होता है y1 माइनस y0, तो ये हो गया h बाई टू वाई ज़ीरो प्लस वाई वन। तो ये एक स्टेप आ गया, जब x0 से x0 प्लस h इंटरवल है, मतलब प्राथमिक इंटरवल x0 से x0 प्लस h है, तो y dx का मान आ गया h बाई टू वाई ज़ीरो प्लस वाई वन। इसी प्रकार x0 प्लस h से x0 प्लस 2h इंटरवल में y dx का मान आ जाएगा h बाई टू वाई वन प्लस वाई टू। और आगे चले इसी तरह से चलते चले जाएं तो x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh इंटरवल में, क्योंकि अपनी अपने को इंटीग्रल निकालना था a से b, और a को मान लिया अपन ने x0 और b को मान लिया x0 प्लस nh, तो ये जो छोटे छोटे सब इंटरवल बन गए हैं उन सब को अपन ने अलग अलग लिख लिया। तो x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh y dx का मान आ गया h बाई टू वाई एन माइनस 1 प्लस वाई एन। अगर इन सब इंटरवल्स को जोड़ें तो अपने को टोटल इंटरवल मिलेगा x0 से x0 प्लस nh y dx का मान, तो सीधा सीधा i का मान आ गया a से b y dx का। तो ये हो गया, सबको जोड़ रहे हैं अपन, तो h बाई टू तो अपन ने कॉमन ले लिया, इसमें y0 और yn तो एक बार रहेगा, तो y0 प्लस yn तो 1/2 के साथ अपन ने केवल h ही बाहर कॉमन लिया, तो 1/2 तो सबके साथ लग रहा है, तो y0 प्लस yn तो 1/2 के साथ रहेगा। अब y1 दो बार आया है, y2 भी दो बार आया है, yn माइनस 1 भी दो बार आया, 2 है, तो ये सब दो कैंसिल होने पर केवल जुड़े हुए रह जाएंगे, तो रिमेनिंग बचा y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। तो ये जो फॉर्मूला बना है यही कहलाता है ट्रापीजॉइडल रूल, याद रखना है सबको। तो i जो कि a से b इंटीग्रल था y dx, उसका मान निकाला था अपन ने u में परिवर्तित करके, तो वो मान ये आया है। तो प्रथम और अंतिम कोटि का योग 2 प्लस शेष कोटियों का योग, ब्रैकेट में बंद करके h से गुणा कर दें, तो ये कहलाता है ट्रापीजॉइडल रूल। यहाँ y0, yn, y1, y2, y3 ये सब अपने को दिए गए होंगे, तो उनको सीधा मान उठा के यहाँ रखना है और अपना आंसर आ जाएगा बिना इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात किए, समाकलित करिए। तो इंटीग्रेंड जो भी दे रखा है उसको इंटीग्रल करना ही नहीं पड़ा और आंसर आ गया। यही न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसकी विशेषता है। तो ये ट्रापीजॉइडल रूल था। अब आगे चलते हैं, आता है सिम्पसन 1/3 रूल। तो जैसे ट्रापीजॉइडल रूल में अपन ने एन बराबर 1 रखा था और द्वितीय तथा उच्च क्रम के अवकलज छोड़ दिए थे, वैसे ही सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखें, ध्यान देना n बराबर 2 रखें और तृतीय तथा उच्च क्रम के अग्रांतर छोड़ें, तो ये जो i का मान अपन ने x0 से x0 प्लस nh था उसमें रख रहे हैं n बराबर 2, तो ये मान आ गया x0 से x0 प्लस 2h y dx। ये h आ गया, तो n बराबर 2 रखा तो 2y0 प्लस 4/2, तो 2 बन गया डेल y0, फिर ये हो गया 8/3 माइनस 2/2 डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो, और आगे के अग्रांतर अपन ने छोड़ दिए इसलिए ब्रैकेट यहीं बंद हो गया। अब इसमें डेल वाई ज़ीरो डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू लिखें, तो ये आ गया 2y0, ये वाई वन माइनस वाई ज़ीरो है और ये वाई टू माइनस 2y1 प्लस वाई टू है वाई ज़ीरो है,
इनको हल करा तो ये बन रहा है h बाई 3 वाई 0 प्लस 4 वाई 1 प्लस वाई 2, ये मान आ गया। सिमिलरली ये जो इंटरवल अपना पहला x0 से x0 प्लस 2h आया सब इंटरवल, ऐसे ही अगले इंटरवल के लिए देखें 2h से 4h वाला, तो x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h y dx का मान आ गया h बटे 3, ये बनेगा y2 प्लस 4 y3 प्लस y4। इस प्रकार आगे चलते चले जाएं तो वाई जी एक्स ज़ीरो प्लस एन माइनस टू एच से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल की उसके बीच में वाई डी एक्स का मान आएगा एच बटे तीन वाई एन माइनस टू प्लस फोर वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। अब इन सब इंटरवल वाले इंटीग्रलों को अगर अपन जोड़ दें तो अपने को इंटीग्रल की जो लिमिट है वो एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच प्राप्त होगी, ये रही। वाई डी एक्स का मान आ गया एच बाई थ्री। अब इसमें ऊपर देखें तो y0 प्लस yn तो एक एक बार ही आया है, ये तो देखो y0 आ गया और ये yn आ गया, h बाई 3 है जो अपन ने बाहर लिख रखा है, तो प्रथम और अंतिम कोटि का योग तो एक साथ आ गया। और इसमें देखें चार गुणा है y1 y3 yn माइनस वन, ये चार गुणा है तो ये अपन ने लिख दिया चार गुणा y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn माइनस वन। अब चूँकि y2 दो बार आया है, y4 भी दो बार आएगा, yn माइनस टू भी दो बार आएगा, तो ये दुगना होगा, तो दुगना y2 y4 प्लस y4 प्लस yn माइनस टू तक। ये फॉर्मूला कहलाता है सिम्पसन थ्री बाई सिम्पसन वन थर्ड रूल, जिसमें h बाई 3 बार है इसलिए 1 बाई 3 रूल कहलाता है ये। तो इसमें प्रथम अंतिम कोटि का योग प्लस विषम कोटियों का चार गुणा प्लस सम कोटियों का दो गुणा, तो ये सारे मान y के दिए हुए होंगे, अपन उठा के सीधे इसमें रख के आंसर निकाल लेंगे तो जो लिमिट दी गई है उसके बीच में सीधा मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि n बराबर दो रखा है तो जो भी इंटरवल दे रखा है वो दो का गुणक अंतरालों में विभाजित हो सकता है। जैसे मान लीजिए जी अपने को लिमिट दे दी जीरो से चार, तो अपन दो दो के गुणजों में इसको विभाजित करेंगे, जीरो से दो, दो से चार, यूँ, मतलब अपनी तरफ से अपन विभाजित नहीं कर सकते, दो के गुणजों में अंतराल का अंतर विभाजित करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, बताएंगे। तो ये गलत है सिम्पसन वन थर्ड रूल। अब चलते हैं सिम्पसन थ्री एट रूल। इसमें जो जनरल सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र था उसमें n बराबर तीन रखें और चतुर्थ तथा उच्च क्रम के अवकल जो अंतर अग्रांतर हैं उनको छोड़ दें। तो x0 से x0 प्लस 3h में इस इंटरवल में सब इंटरवल में मान आया थ्री, एन बराबर तीन लग दिया है तो तीन वाई ज़ीरो प्लस नौ बटे दो डेल वाई ज़ीरो, फिर ये सत्ताईस बटे तीन माइनस नौ बटे दो डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो बटे फैक्टोरियल दो, फिर ये इक्यासी बटे चार माइनस सत्ताईस प्लस नौ बट इंटू डेल क्यू वाई ज़ीरो बटे फैक्टोरियल तीन। चतुर्थ उच्च क्रम के अवकलज छोड़ने हैं तो ये ब्रैकेट यहीं बंद हो जाएगा। अब इसमें डेल वाई ज़ीरो डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो डेल क्यू वाई ज़ीरो का मान यहाँ रख दिया अपन ने, तो y0 तो लिख दिया y1 माइनस y0, y2 डेल स्क्वायर y0 लिख दिया y2 माइनस 2y1 प्लस y0, और डेल क्यू y0 ये अपन ने लिख दिया y3 माइनस 3y1 प्लस 3y माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। तो ये सारे मान अपन ने लिख दिए, तो इनको ठीक तरह से लिख लिया तो ये बना 3h बाई 8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। इनको सॉल्व करके ठीक तरह से लिख लिया तो 3 बाई एच 3 बाई 8 एच बाहर आ गया। इसी के कारण ये 3 बाई 8 जो बाहर है h का गुणांक है, इसी के कारण ये सिम्पसन 3 बाई 8 रूल कहलाता है। और इसमें x0 से x0 प्लस 3h सब इंटरवल में ये मान आए 3h बाई 8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। इसी प्रकार अगले सब इंटरवल में देखें तो x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h इंटरवल में y dx का मान आएगा 3h by 8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। इसी प्रकार आगे चलते जाएं तो अगले अंतराल x0 माइनस x0 प्लस n माइनस 3h से x0 प्लस nh अंतराल में y dx का मान आ गया 3h by 8 y n माइनस 3 प्लस 3 y n माइनस 2 प्लस 3 y n माइनस 1 प्लस y n। अब अगर इन सब को जोड़ें
तो x0 से x0 जीरो प्लस एन एच वाई डी एक्स का मान आ गया 3h एच बाई एट प्रथम y0 और yn कोटियों का योग प्लस 3 गुणा y1 y2 y4 y5 yn माइनस 2 yn माइनस 1 का, तो y1 y2 y4 y5 और आगे अपन लिख सकते हैं। और चूंकि y3 दो बार आएगा ऐसे ही y6 भी दो बार आएगा, वाई एन माइनस थ्री भी दो बार आएगा, तो ये वाई थ्री वाई सिक्स वाई एन माइनस थ्री दो बार आएगा, इनको अपन ने ट्वाइस लिख दिया। तो ये कहलाता है सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। तो ये तीनों रूल आपको याद भी रखने हैं, अच्छी तरह से डेराइव भी कर लें, इनका डेरिवेशन भी आता है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल डेराइव करिए तो वो भी आता है, और इनको याद है तो अपन क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। अब मैं इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ कि अगर n बराबर चार रखें सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में तो कौन सा फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला बनेगा, उसको आपको डेराइव करना है। तो डेराइव ए फार्मूला बाई पुटिंग n इज इक्वल टू फोर इन द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला एंड एलिमिनेटिंग फिफ्थ एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिफरेंसेस। तो जब n बराबर अपन चार रख रहे हैं तो पाँच और उच्च क्रम के अवकलज उसमें से छोड़े जाएंगे, तो इनको आप करें, ये असाइनमेंट है, पूरा एक फार्मूला बनाएं आप अपने आप, तो इसको करें ढंग से। तो अब एक और फार्मूला इसमें रह गया है, वेडले रूल, जिसमें n बराबर सिक्स लिखेंगे और वो फार्मूला निकालेंगे। उसमें भी अंतराल का अंतर फिर छः के भागों में विभाजित होगा, वो आगे क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। तो इनको ढंग से ध्यान रखें, याद करें, फॉर्मूले भी डेराइव करें और याद करें, तो क्वेश्चंस फिर आसानी से कर लेंगे।